किसी एक ने हारना था, किसी एक ने जीतना था, एमसी जीत गया एंड मैं जनता का प्यार जीत रही हूँ। एमसी को शायद उतना प्यार मिला है जनता से, और डेफिनेटली फिर अगर इतना प्यार मिला है तो बनता है जीतना। जो हार के भी जीत जाए उसे प्रियंका चौधरी कहते। ओह माय गॉड। हे गाइस, दिस इज प्रियंका चाहर चौधरी एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन बॉलीवुड हेल्पलाइन। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो दिल से बातें विद दीपक पांडे। आज हमारे साथ बेहद खूबसूरत हैं, इंटेलिजेंट प्रियंका जी आ रहे हैं। प्रियंका जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैं बात करूँ तो मिस्टर शाहरुख खान ने एक कहा था अपने मूवी में, एक डायलॉग था उनका कि जो हार के भी जीत जाए उसे बाजीगर कहते हैं। लेकिन अब ये लाइन चेंज हो चुका है, जो हार के भी जीत जाए उसे प्रियंका चौधरी कहते हैं। ओह माय गॉड, ये बहुत बड़ी लाइन बोल दी है आपने। जी, साथ ही सलमान खान भी आपको बहुत लाइक करते थे, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मेरे नज़र में असली विनर है तो प्रियंका चौधरी ही है। उस पर आपका क्या कहना है? उस पर बस मेरा यही कहना है कि अगर उन्होंने ऐसा बोल दिया तो मैं जीत गई वहाँ पर। जब सलमान सर ने ऐसा मेरे लिए, अगर सलमान सर ने भी समझ लिया कि मेरी नज़र में यही असली विनर है तो मैं वही जीता हुआ मान गई अपने आप को। बस मुझे यही चाहिए था, लोगों का प्यार मिल गया, सलमान सर का अप्रिसिएशन मिल गया। व्हाट एल्स यू वांट इन योर लाइफ। जी, आप उस घर से रह के आई हो जो घर में 2400 घंटा लड़ाई होते थे, 2400 घंटा लड़ाई झगड़े होते थे, जब उस घर से आप बाहर निकले तो क्या फीलिंग थी आपकी? शांति चाहिए थी तब मुझे। तो जब मैं वहाँ से बाहर निकली तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जो जैसे अंदर, क्योंकि इतना ज़्यादा प्यार नहीं किया गया था मुझे, वो प्यार मुझे बाहर बहुत मिला, तो वॉज हैप्पी, बहुत खुश थी। जी, आप जब घर से बाहर निकले, कुछ आपकी अलग ही जीवन थी, लोग आपको घर के अंदर इतना प्यार किए क्या बताऊँ मैं। बात कर रहा हूँ कि लोग बहुत प्यार किए, आप कभी सोचे थे क्या आपको इतना प्यार लोग करें? नहीं नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था एक्चुअली। जब मैं अंदर थी तब तो मुझे आइडिया भी नहीं था कि एक्चुअली बाहर जनता इतना प्यार कर रही है मुझे। मुझे पता था कि मेरे फैंस हैं जो मुझे एक्चुअली बहुत पसंद करते हैं, बट बाहर आकर तो सच का नज़ारा देखा एंड आई वाज लाइक थैंक यू भगवान जी। बात करूँ जो आपको लाइक करते थे आपके फैंस, वो उन लोग, आप जब हार गए मतलब बिग बॉस में, काफ़ी नाराज हो गए थे आपसे। मैं बात करूँ अंकित की, तो काफ़ी इमोशनल हो गया था अंकित भी, उसके बारे में क्या कहना आप? अंकित के बारे में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, उस टाइम पे ऑफ कोर्स उसको बुरा लगा कि वो चाहता था कि मैं जीतूं, और ऑफ कोर्स आप अपने दोस्त का अच्छा ही चाहते हो, बट देन ऐसा नहीं हुआ तो ही फेल्ट बैड अबाउट इट। और कहीं ना कहीं वो, हम लोग इमोशनली अटैच हैं एक दूसरे से, तो उसके इमोशंस बस उस मोमेंट पे बाहर आ गए, जो कि ठीक है, मतलब आने भी चाहिए। इफ़ यू फीलिंग लाइक इमोशनल तो आप वैसा कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, एंड आई थिंक वो बस इमोशनल हो गया था बिकॉज मैं नहीं जीती इसलिए। मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में ये था कि प्रियंका ही जीतेगी, खास करके मैं बिग बॉस पूरा फॉलो किया हूँ, मेरे को भी यही लगा था कि प्रियंका ही जीतेगी। तो मैं कभी सोचा नहीं था कि एमसी स्टैंड विनर हो सकते हैं। तो जब एमसी स्टैंड विनर हो गए तो आपके मन में क्या कुछ चलता था उस टाइम? सी, अब जो हो गया वो तो हो गया, उसको तो कोई बदल नहीं सकता, तो बेटर उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लो वैसे ही। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, एमसी को शायद उतना प्यार मिला है जनता से, और डेफिनेटली फिर अगर इतना प्यार मिला है तो बनता है जीतना, तो मैं उसके लिए खुश हूँ एमसी के लिए। बट हाँ ठीक है, आई मीन किसी एक ने हारना था, किसी एक ने जीतना था, एमसी जीत गया एंड मैं जनता का प्यार जीत रही हूँ। जी, और मैं आपसे बात करूँ तो एमसी स्टैंड का जीतने के लायक थे, अगर आप अपने दिल से बताना चाहो। मैं दिल से बताऊँ तो जैसे बाहर सबको लगता था, हमें भी ये लगता था ये इंटरेस्टेड ही नहीं है या कुछ भी नहीं, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो वो रियल तो था, कम से कम जो उसके मन में था उसने बोला कि मुझे नहीं इंटरेस्ट या मुझे नहीं करना है, मुझे बाहर निकालो, जो भी था वो रियल था। तो आई थिंक लोगों ने उसको उसी बात के लिए पसंद किया कि रियल है ये, यहाँ पर है भी लेकिन मुँह पर बोलता है मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो शायद लोगों को अट्रैक्ट कर रही थी यही बात। तो अब जीत वो थे, डिजर्विंग थे, नहीं थे ये बोलने वाली मैं कोई नहीं होती, क्योंकि हाथ में ट्रॉफी उन्हीं की है तो उन्हीं की है, फिर वो जीत भी उन्हीं की है, तो उसे बस एक्सेप्ट कर लो, और यही मैंने एक्सेप्ट किया है कि दैट या ही वन द शो। हाल ही में मैं बात करूं तो फारा मैम के घर में पार्टी था उनके बच्चे का, तो सभी बिग बॉस के कंटेस्टेंट सभी गए थे, और कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में जो झगड़ा हुआ बिग बॉस के घर में, वो झगड़ा बरकरार था,
क्या कुछ बातचीत हुई वहाँ पे जाके लोगों से, क्या कुछ बातचीत? पार्टी में ऐसी कुछ बातें नहीं, पार्टी में सब मस्त पार्टी कर रहे थे, फन कर रहे थे, सब डांस मस्ती यही सब चल रहा था और मैं थोड़े टाइम के लिए वहाँ पर थी क्योंकि बाद में मेरे को जाना था कहीं पर। सो बहुत ही पार्टी सीन ही था वहाँ, कुछ गॉसिप नहीं, वो सब बिग बॉस में छोड़ के आ गए हम लोग। मैं बात करूँ तो बिग बॉस का घर एक ऐसा घर है जहाँ लोग जाते हैं बहुत कुछ सीख के आते हैं, आपको क्या कुछ नया सीखने को मिला उस घर में, आप शेयर करना चाहो तो? मैं सच बताऊँ बिग बॉस के घर में अगर मैं नया नज़रिया बदला टुवर्ड्स एवरीथिंग कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप सही हो, आपको दूसरे का भी पक्ष सुनना चाहिए, दूसरे का नज़रिया भी समझना चाहिए, तो नज़रिया ज़रूर बदला, आई थिंक यस ये चीज़ है। जी मैं बात करूँ तो मिस्टर शाहरुख खान की, मेरी इंटरव्यू की शुरुआत ही उनसे हुई थी, अब इंटरव्यू ख़त्म भी उन पर ही होगा। जी मैं बात करूँ तो आपको ऑफ़र आया उनके फिल्म का, शाहरुख खान की फिल्म का ऑफ़र आना भी बहुत बड़ी बात होती है, जल्द लोग मतलब चाहते हैं कि मैं उनके साथ काम करूँ, आपको ये ऑफ़र आया आप कितना खुश हैं? ये ऑफ़र मुझे अभी डायरेक्ट नहीं आया है, मैं आप लोगों से ही सुन रही हूँ, बट अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी होगा तो डेफिनेटली आप सबको पता लगेगा, अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। लेकिन सपोज मान लिया अगर आपको ऑफ़र आ गया, आप मूवी कर रहे हो उनके साथ, तो मतलब क्या कुछ मन में रहेगा सर के साथ काम करने का? मतलब मैं मेरे ऊपर बहुत प्रेशर रहेगा क्योंकि शाहरुख खान के साथ अगर मैं काम कर रही हूँ तो उनके मतलब उनको भगवान माने अगर मैंने एक्टिंग में, तो उनके जितना मुझे भी अपनी एक्टिंग दिखानी पड़ेगी, एज इन कि मुझे वो फर्स्ट ऐसा चांस मिला है जहाँ पे आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, और डेफिनेटली हैप्पी तो मैं बहुत ज़्यादा ही रहूँगी कि वो खुशी तो मैं बयां ही नहीं कर पाऊँगी ऐसा। सो यस मैं बात करूँ तो बिग बॉस के बाहर निकलते ही आपको किस तरह का ऑफर आ रहा है, कोई वेब सीरीज वगैरह सॉन्ग्स? अभी देखो बातें चल रही है, कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है, तो जब तक कुछ कंफर्मेशन नहीं है आई कांट से एनीथिंग, अभी देखते हैं चीज़ें वर्कआउट होगी उसके अकॉर्डिंग। जी थैंक यू मैम, मैं